ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ज्योतिष गणना, फलित करना और मुहूर्त निकालना आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो नया चैनल हमने बनाया था ज्योतिष भाई सुनील में, हम इसमें जीरो से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जीरो से सीखिए। तो आज हम मुहूर्त निकालने में आपको सिखाएंगे कि जैसे अभी विवाह शुरू होने वाले हैं आषाढ़ मास में, तो कोई आदमी आपसे पूछने आगे, गुरु जी ये बताइए कि हम अपनी बच्ची के लिए कन्या है पक्ष वाला है या वर पक्ष वाली है, कि गुरु जी मैं आभूषण खरीदने जा रहा हूँ, जेवर बनवाने जा रहा हूँ, ये किस दिन बनवाएं या किस दिन हम खरीदने जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे बताएंगे क्या। सबसे पहले आपको मुहूर्त निकालना आना चाहिए कि किन नक्षत्रों में अपने जजमानों को बताएं जिसमें उसका कल्याण उसको लाभ भी हो। ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जिसमें हमें आभूषण खरीदना चाहिए, जीवर बनवाने चाहिए और उसको हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि जेवर यानी आभूषण बनवाने का मुहूर्त निकालना, तो ये आप कैसे निकालोगे। कोई जातक आपसे पूछने आ गया, किसी के पिता माता पिता आपसे पूछने आ गए, तो आप देखेंगे क्या। तो सब प्रथम आपको मैं बताता हूँ वो नक्षत्र कौन कौन से हैं, योग कौन से हैं। सबसे पहले नोट कर लेना, त्रिपुष्कर योग, ये सब नोट कर लीजिए। त्रिपुष्कर योग होना चाहिए या तीनों उत्तरा नक्षत्र, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़, उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा हो गए। रेवती नक्षत्र है अश्वनी, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिखा, मृगशिरा, पोख्य, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, ये जो नक्षत्र हैं इनमें अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, सोने का क्रय विक्रय करते हैं, आभूषण बनवाते हैं, तो ये योग आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए शुभ नक्षत्र है और शुभ दिन भी होना चाहिए। शुभ दिन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे सोमवार है, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, और शुक्रवार इसमें आभूषण के लिए तो सबसे अच्छा होता ही है। तो सोमवार है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, ये चार दिन आपके पास शुभवार है, इसमें आप खरीद सकते हैं। इसके बाद मैंने देखो आप लोगों की देखा अपने कि हमने लिखा है त्रिपुष्कर योग। अब ये त्रिपुष्कर योग क्या होता है, अब हमें ये आपको बताना पड़ेगा। ये नक्षत्र तो आपको पता है 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में ये नक्षत्र शुभकारी हैं, लेकिन त्रिपुष्कर योग कैसे पता करें इसको हमें आपको बताना पड़ेगा। तो त्रिपुष्कर योग क्या होता है पहले आप ये समझ लो कि जैसे त्रिपुष्कर योग कब बनता है, जब शनिवार, जो जो शुभवार नहीं होते, शुभवार हमारे कौन से बने, जब आपसे बताया सोमवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र तो शुभ हो गए, तो आपका बच्चा शनिवार, मंगल और रविवार ये शुभवार हो गए, इसको आप अशुभ कहोगे। कि जब शनिवार, मंगल या रविवार हो और भद्रा तिथि हो, भद्रा तिथि अशुभ मानी जाती है, लेकिन भद्रा कौन सी तिथि, द्वितीय सप्तमी द्वादशी तिथि हो, अब दिन नोट कर लेना, शनिश्चर मंगल रविवार हो, भद्रा तिथि 2, 7, 12 तिथियां हो, इसमें कोई ये तिथि हो, इसमें कोई वार हो, ये कोई तिथि हो, और नक्षत्र कौन से हो, ये सुनो, तीन चरण वाले नक्षत्र, तीन चरण वाले नक्षत्र आपने देखे हो कौन से, जैसे विशाखा, विशाखा में तीन चरण होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी में तीन चरण होते हैं, पूर्वा भाद्रपद में तीन चरण होते हैं, पुनर्वसु में भी तीन चरण होते हैं, कृतिका में भी तीन चरण होते हैं, और उत्तराखंड में तीन चरण होते हैं। ये जो तीन चरण वाले नक्षत्र हो, फिर समझ लो कि वार कौन से, शनिश्चर मंगल रविवार हो, तिथि भद्रा हो, द्वितीय सप्तमी या द्वादशी हो, और ये तीन चरण वाले नक्षत्र हो, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका या उत्तराखंड, इनमें कोई एक नक्षत्र हो, यानी कोई द्वार हो, कोई तिथि हो और कोई एक नक्षत्र हो, ये तीनों एक साथ मिल रहे हो, ये तीन चरण वाले नक्षत्र हो, तो इसे क्या कहते हैं, त्रिपुष्कर योग। अब ये त्रिपुष्कर योग तो बन गया, मानो शनिवार हो गया हमारा, उस दिन द्वितीय तिथि पड़ गई, ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र हो गए, एक नक्षत्र पड़ गया, त्रिपुष्कर योग बन गया, हमने पत्रे में देख लिया, चेक कर लिया। अब त्रिपुष्कर योग लिखा भी रहता है पत्रे के आगे, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, इस तरह से लिखा भी रहता है पत्रे के सामने, लिखोगे देखोगे तिथियों के सामने लिखा भी रहता है, इस तरह से आपको त्रिपुष्कर योग की तिथि भी मिल गई या पंचांग में उन्हें पढ़ भी लिया। तो इसमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखो। त्रिपुष्कर योग में, त्रिपुष्कर योग हो तो किसी की अगर मृत्यु हो जाएगी तो वहां तीन प्राणियों की हानि होगी, यानी उसका तीन मन हानि भी करा देता है।
हम कोई कार्य करते हैं, माना किसी की मृत्यु हो गई है तो उस परिवार में तीन प्राणियों की मृत्यु की संभावना रहेगी। इसी प्रकार कोई वस्तु खो जाए आपकी, त्रिपुष्कर योग है, कोई वस्तु आपकी खो गई तो समझ लेना वो तीन वस्तुएं और भी खो जाएगी, उस तरह की वस्तुएं तीन खोने की वो संभावना रहेगी, तीन वस्तु और खो जाएगी। और अगर किसी का आपने कोई वस्तु का लाभ मिल गया, ये त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, तो किसी वस्तु का आपका लाभ हो रहा है या आपने सोना चांदी कोई ऐसी चीज खरीदी है तो उसका तीन गुना लाभ भी मिलता है, उसका तीन गुना लाभ भी मिलता है। जैसे पंचक नक्षत्र में मैंने आपको बताया था कि जब पंचक नक्षत्र लगते हैं तो पंचक नक्षत्र में जैसे मैंने बताया किसी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार खानदान में पांच लोगों की और मृत्यु होने की संभावना रहती है। लेकिन विवाह आदि कार्य जब किए जाते हैं, कोई शुभ कार्य किया जाता है उसमें, तो उससे पांच गुना लाभ भी होता है, उससे अन्य नक्षत्रों से उसमें पांच गुना अधिक ज्यादा लाभ होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार ये त्रिपुष्कर योग है, द्विपुष्कर योग भी होता है। द्विपुष्कर योग में क्या होगा, वार यही होगा, शनिश्चर मंगल शनिवार होगा और यही नक्षत्र होंगे, यही तिथि होगी, 2-7-12 तिथि होगी, लेकिन उसमें 2 चरण वाले नक्षत्र होंगे। जैसे हमने देखा 3 चरण वाले नक्षत्र थे, उसमें 2 चरण वाले नक्षत्र होंगे। 2 चरण वाले नक्षत्र आपके पास कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। द्विपुष्कर योग में आपके पास जो 2 चरण वाले नक्षत्र हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जैसे मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र नोट कर लीजिए, मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्र हो, ये तिथियां हो, तो उसे कहते हैं द्विपुष्कर योग। तो उसमें भी अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका दुगना लाभ होगा, और किसी की मृत्यु हो जाती है कोई अनिष्ट काम करोगे तो उसका दुगना अनिष्ट भी करा देता है। इसलिए द्विपुष्कर का भी हमें योग का भी ध्यान रखना चाहिए, इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो हमको आना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि आप जेवर आते हैं, आभूषण अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें कौन से योग में हमको खरीदना चाहिए। अगर हम जेवर खरीद रहे हैं, कोई हम भूमि खरीद रहे हैं, भूमि का क्रय भी कर सकते हो, कोई जमीन खरीद रहे हो, मकान बनाना आरंभ कर रहे हो, उस समय त्रिपुष्कर योग है वो आपके लिए अधिक शुभकारी होगा, तो उसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। जिस समय त्रिपुष्कर योग हो, ये दिन हो, भद्रा तिथिया हो, ये 3 चरण वाले नक्षत्र हो, तो उसको आप इस्तेमाल करें, उससे आपका काम जो है अधिक तीन गुना आपको लाभकारी होगा। या पंचक नक्षत्र पे योग करोगे तो उसमें 5 गुना आपको लाभ होगा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जेवर आभूषण बनाने का हमने आपको मुहूर्त बता दिए, नक्षत्र त्रिपुष्कर योग, तीनोत्तरा नक्षत्र, अश्वनी श्रवण धनिष्ठा शतविका, मृगशिरा पुख पुनर्वशु अनुराधा हस्त चित्रा स्वाति रोहिणी, ये नक्षत्र होने चाहिए। वार आपको बता दिए, शुभवार सोमवार बुध बृहस्पति शुक्र वायुवार होने चाहिए, या त्रिपुष्कर योग वाले जो नक्षत्र मैंने आपको बताए ये 3 दिन हो, ये तिथियां हो, ये 3 चरण वाले नक्षत्र हो, तब भी आप अगर खरीदते हैं तो उसमें ये आपको भी उत्तम शुभ लाभ होगा। आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, कहीं पर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। इस तरह की जो रोज के प्रयोग वाली चीज़ें हैं, आपके उपयोग वाली चीज़ें हैं, ये भी मैं आप लोगों को सिखाता चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों से कोई पूछने आ जाता है तो आपको प्रैक्टिकली आप बताने भी आप बता भी सको। मेरी ही कोशिश है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्योतिष सीखें। इस समय मैं खाली भी हूँ, सब कोई कार्य भी नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3-4 वीडियो आप लोगों को बना करके सिखाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।